आज हम बात करने वाले आर्क लेंथ के बारे में कि आर्क लेंथ क्या होती है और डिपोजिशन रेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्क लेंथ के बारे में। जब भी हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनिशियली इलेक्ट्रोड, समझ लीजिए ये इलेक्ट्रोड है और ये वर्क पीस और ये है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को कांटेक्ट में लाते हैं, इससे कि आर्क जनरेट होता है। ये आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को हम इनिशियली कांटेक्ट में लाते हैं जिससे कि आर्क जनरेट होता है, ठीक है ना। जो आर्क जनरेट हुआ है उसको कंटिन्यू करने के लिए कि परमानेंट आर्क जनरेट होता रहे, हम इनिशियली इनको टच करते हैं, उस वजह से आर्क जनरेट होता है। उसके बाद आर्क को कंटिन्यूस करने के लिए इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। यदि आप इन दोनों को टच करके परमानेंटली रहेंगे तो मशीन केवल वाइब्रेट करेगी, आर्क जनरेट नहीं होगा, तो आपकी वेल्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। यदि आप इस डिस्टेंस को ज़्यादा कर लेंगे तो भी आर्क भी जनरेट नहीं होगी, आर्क कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। जनरेट तो होगी, आप टच करके दूर करेंगे आर्क जनरेट होगी, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाएगी तो भी आपकी वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ डिस्टेंस हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारी वेल्डिंग और जो आर्क जनरेट हुआ है वो कंटिन्यू बना रहे। उसी लेंथ को, जो लेंथ हम मेंटेन करके रखते हैं, वो कहलाती है आर्क लेंथ। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इनिशियली हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को कॉन्टेक्ट में लाते हैं। यदि हम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को परमानेंट कॉन्टेक्ट बना के रखेंगे तो आर्क जनरेट होना बंद हो जाएगी, केवल जो वेल्डिंग मशीन है वो वाइब्रेट करेगी, आपकी वेल्डिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी। यदि हम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को इनिशियली कांटेक्ट में लाएंगे और इसके बाद इलेक्ट्रोड और वर्कपीस को दूर ले जाएंगे तो इनिशियली आर्क जनरेट तो होगी लेकिन आर्क कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, उस वजह से भी आपकी वेल्डिंग रुक जाएगी। तो हम करते क्या है, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं ताकि आर्क कंटिन्यू रहे। इसी डिस्टेंस को बोलते हैं आर्क लेंथ। अब अगला टॉपिक है डिपोजिशन रेट। डिपोजिशन रेट क्या होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या करते हैं, फिलर मटेरियल यूज करते हैं। तो फिलर मटेरियल हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। इसकी जो डिपोजिशन रेट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है केजी पर आवर, यानी कि एक घंटे में कितने किलो आपका मेटल डिपोजिट हो रहा है। बेल्ट डिपोजिशन रेट होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल विच इज एंटरिंग इनटू द वर्क पीस पर यूनिट टाइम, यानी कि जो फिलर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वो हम कितना वर्क फिलर मटेरियल यूज कर पा रहे हैं बेल्डिंग के दौरान, यही रहता है डिपोजिशन रेट। डिफरेंट डिफरेंट बेल्डिंग टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ बेल्डिंग टेक्निक होती है उनमें हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं नहीं, केवल प्रेशर का यूज करते हैं, और कुछ में हीट का उपयोग करते हैं, और दोनों में दोनों के कॉम्बिनेशन का उपयोग भी करते हैं। तो बेल्डिंग के टाइम किस अमाउंट से मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, जो फिलर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी यूनिट होती है केजी पर हवर। बेल्डिंग के टाइम किस रेट से, यानी कि कितना फिलर मटेरियल हमको यूज करना पड़ रहा है, जो कि बेल्डिंग जो हम कर रहे हैं उसमें एंटर कर रहा है और जो वर्कपीस में एंटर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो होता है बेल्ट डिपोजिशन रेट। तो ये था आर्क लेंथ और बेल्ट और डिपोजिशन रेट के बारे में। यदि आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आर्क लेंथ होती क्या, इनिशियली जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट में लाते हैं तो आर्क जनरेट होती है, ठीक है। यदि आप वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो ये आर्क कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, आपकी वेल्डिंग रुक जाएगी। यदि आप इस डिस्टेंस को टच करके दूर ले जाते हैं, आर्क जनरेट तो होगी लेकिन आर्क कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। उस आर्क को कंटिन्यू करने के लिए हम इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। इस वजह से होता क्या, आर्क आपकी कंटिन्यू रहेगी और आप वेल्डिंग कर सकते हैं। जो डिस्टेंस हम मेंटेन करके रखते हैं और जो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड रहता है वो कहलाता है आर्क लेंथ।
ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रेट आर्क लेंथ मेंटेन करके रखनी है, ये कुछ वेरी भी कर सकती है, लेकिन उसके हिसाब से बैलेंस वोल्टेज और करंट चेंज होता रहता है। ये आप वेरी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि फिक्स रहेगी। दूसरा है डिपोजिशन रेट। जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो फिलर मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो किस रेट से वर्क पीस में एंटर कर रही है वही कहलाता है डिपोजिशन रेट। इसकी यूनिट होती है केजी पर आवर। तो ये हो गया आर्क लेंथ और डिपोजिशन रेट के बारे में। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें।